स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि मैंने एक वीडियो डाली थी आईएससी अकाउंट्स का जो पेपर हुआ है 11 फरवरी को, उसको मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया था। उसके बाद मैंने एक पोल क्रिएट किया था, बच्चों से पूछा था कि मैं कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले कराऊं या एक कराऊं, जैसा भी है। तो बच्चों ने कहा सर कि एक कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो हमें बता दीजिए कैसे होगा क्या होगा, हमें मालूम हमारा आंसर गड़बड़ रहा था। तो बेटा देखना है, इसको मैंने सॉल्व भी किया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यही क्वेश्चन था है ना। देखो बेटा बारी बारी से क्वेश्चन को क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए हम जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस में देखा नोट नंबर, नोट नंबर दे रखा है तो हम जाएंगे पीछे। हम गए नोट नंबर वन में और आपको दे रखा है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 40,000 पहले था, 70,000 हो गया, अब कितना बढ़ गया 30,000। एसपीआर दे रखा है वो यहां नहीं जाएगा, फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा, यानी 40,000 से कितना हो गया 70,000, 30,000 बढ़ गया। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है प्रीवियस ईयर का लेंगे, 10,000 और 30,000, 40,000। और यहां देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। बेटा यहां पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स है और एडजस्टमेंट में भी टैक्स पेड है, तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। कैसे बनेगा, डीआर साइड में 25,000 जाएगा, डीआर साइड में जो पेड किया वो जाएगा। तो 25,000 और 15,000 40,000, 40,000 में से 20,000 गया तो कितना आएगा प्रोविजन, 20,000। यानी कि ये तीनों चीज आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000। ये करके मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 60,000। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में एक ही चीज दे रखी है, इंटरेस्ट 1,000 जो पेड करिए तो वो एड होगी, और कुछ नहीं दे रखा। तो उसके बाद आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सबसे पहले मैं करंट लायबिलिटी, आपको मालूम है एड क्या होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। लेस क्या होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखिए यहां सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं आएगा, फाइनेंस एक्टिविटी का हिस्सा है। ट्रेड पेबल 15,000 से 20,000 हो गया, बढ़ गया 5,000 से, ट्रेड पेबल एड होगा। अदर करंट लायबिलिटी 2, नोट नंबर 2 दे रखी है, यानी कि हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाके देखिए, हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 से 1,000 हो गए, घट गए, लेस होगा 4,000 रुपए। अनक्लेम डिविडेंड कुछ नहीं से 4,000 हो गए, बढ़ गए, एड होगा अनक्लेम डिविडेंड 4,000। यही मैं करंट एसेट देखता हूं तो करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं से 30,000 हो गए, तो 30,000 क्या होगा, लेस होगा। इन्वेंट्री 25,000 से 15,000 हो गए, घट गए, 10,000 ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से 40,000 हो गए, 30,000 से बढ़ गए, लेस होगा, और कुछ नहीं दे रखा। तो ऐसा करने के बाद ये नजारा आएगा आपका, एड में आपका ट्रेड पेबल, अनक्लेम डिविडेंड, इन्वेंट्रीज, और लेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिसीवेबल। इसको करने के बाद, इन सब को सॉल्व करने के बाद, जब आप यहां ऐड करोगे 61,000, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 16,000 प्लस का, और क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड कितना दे रखा था 15,000, तो 16,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो 1,000 रुपए आएगा, और ये 1,000 प्लस के है, इसलिए ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, दूसरा हमें पार्ट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही चीज दे रखी है, फिक्स एसेट्स, और यहां पर परचेज भी दे रखा है। तो इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनेगा कि देखो बेटा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस डीआर साइड यानी कि 2,35,000, करेंट ईयर का बैलेंस बाई साइड यानी कि 2,55,000, परचेज की वैल्यू दे रखी 50,000 यानी कि टू साइड। तो 50,000 और 2,35,000 दोनों को जोड़ोगे, 50,000 और 2,35,000 दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2,85,000, और 2,85,000 में से 2,55,000 माइनस करूंगा तो सेल की वैल्यू आ जाएगी 30,000। यानी कि जो हमारी इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग में हमारी परचेज की फाइनेंशियल एक्टिविटी कितनी 50,000 माइनस की, और सेल की कितनी है 30,000, यानी 50,000 में से 30,000 माइनस करूंगा तो माइनस के 20,000 आएंगे। क्योंकि आंसर माइनस में आया तो ये क्या आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब तीसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी है बेटा, तीसरी एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए देखो हम सबसे पहले गए यहां इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,00,000 से 2,50,000 हो गया, 50,000 शेयर इशू करे हैं, और क्वेश्चन में अब हम देखेंगे एसपीआर 10,000 से कितना हो गया 20,000, कितना बढ़ गया 10,000। तो 50,000 वो और 10,000 ये कितना हो गया 60,000, 60,000 डालेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स में। उसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 से कुछ नहीं रह गया, यानी कि पेड कर दिया, पेड कर दिया माइनस होगा 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी था 1,000 का, माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। ये सारी एडजस्टमेंट डालने के बाद जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो आपका प्लस में आएगा 39,000, है ना।
अब आपका ए बी आ गया यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी बी आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी बी आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है, हम तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए 1000 प्लस का था, बी 20000 माइनस का था, और सी 39000 प्लस का था। तो पहले इन दोनों प्लस वालों को जोड़ दूं 40000, और माइनस वाले से माइनस करूंगा तो 40000 माइनस 20000 ये आएगा 20000। आंसर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, अगर ए प्लस बी प्लस सी वाले बैलेंस में जोड़ दो तो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो करेंट ईयर का बैलेंस है उसके बराबर आएगा। तो यानी कि जो बी सी आर आया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 30000, 30000 में 20000 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 50000, जो कि आपका यस करेंट ईयर के आंसर के बराबर है। तो ये हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का। आप लोग बच्चों बताना, मैं वही सॉल्व करूंगा, पेपर आपके सामने है। अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो आपने भी ये पेपर दिया होगा। जो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन चाहते हो, जैसा चाहते हो मुझे बताना, क्योंकि सारे सॉल्यूशन करूंगा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत ही ज्यादा इजी थे, कुछ बहुत ही ज्यादा टफ लेवल के हैं। तो जिन चीजों के सॉल्यूशन आप पर्टिकुलरली चाहते हो मुझे बताना, उसी के पर्पज से मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।